हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी, वो भी बिल्कुल कम समय में बनके रेडी होती है और बहुत टेस्टी भी बनती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है। तो जब भी आपके पास समय कम हो तो आप इस प्रकार से बिरयानी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून हल्दी। अब हम इन तीनों को चिकन में ऐड कर देते हैं। तो मैंने चिकन में इनको ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं हाफ आवर के लिए। तो 30 मिनट के लिए हम इसे मैरिनेट करने के लिए साइड में रख देते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम अगली प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल लिया है, तो चावल मैंने यहाँ पे बासमती चावल हाफ के जी लिया है और उसको अच्छे से धोकर मैंने 15 मिनट के लिए इसी तरह से पानी में भिगो लिया है। तो चलिए यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं मैंने, तो उसमें मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 2 से 3 मैंने मीडियम साइज़ के ऑनियन लिए हैं, 2 लाल मिर्च ली है और 4 से 5 हरी मिर्च ली है। तो 3 मीडियम साइज़ के ऑनियन को मैंने इस प्रकार से कट करके ले लिया है। साथ में कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 2 से 3 दालचीनी, 4-5 लवंग, 7 से 8 काली मिरी और 2 स्टार फुल यहाँ पे लिए हैं। अब उसी के साथ हमने यहाँ पे ली है 2 लाल मिर्ची, उसको मैंने बीच में से तोड़ दिया है। और यहाँ पे 4 से 5 हमें हरी मिर्ची लेनी है जिसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। अब हम करेंगे गैस ऑन, उस पर मैंने एक कुकर रख दिया है। कुकर में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल अब हमारा गर्म हो रहा है फ्रेंड्स, तो अब हम उसमें डालेंगे राई। राई को मैंने 1 टीस्पून राई इसमें ऐड कर दी है। राई को तड़तड़ाने देते हैं। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा। उसी के साथ हमने जो खड़े मसाले लिए थे उसे भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो इस समय हमारा ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए फ्रेंड्स। तो अब हम उसमें ऐड करेंगे 2 लाल मिर्ची, 2 जो हरी मिर्ची हमने बीच में से कट कर ली थी उसे भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। दस से 12 मैंने यहाँ पे करी पत्ते लिए हैं, तो इसका भी स्वाद बहुत बढ़िया आता है फ्रेंड्स। अगर आपके पास करी पत्ते नहीं हो तो आप यहाँ पे 2 तेज़पत्ता ऐड कर सकते हैं। बस 1 मिनट के लिए मैंने इन सबको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑनियन। तो 3 मीडियम साइज़ के ऑनियन को मैंने यहाँ पे इस तरह से कट कर लिया था, तो इनको भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक। तो याद रखिए फ्रेंड्स, चिकन में भी हमने नमक ऐड किया था मैरिनेट करते समय, तो यहाँ पे हमें नमक बहुत संभल के डालना है। तो इसे मैंने मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा ऑनियन जब गोल्डन ब्राउन हो जाता है तब हम यहाँ पे चिकन को मिक्स कर देते हैं जो कि मैरिनेट हो चुका है 1/2 घंटे के लिए। अब हम इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और मिक्स कर लेते हैं एक बार। तो ये हो गया है मिक्स। अब इसका ढक्कन लगा लेंगे हम कुकर का और उसको हम एक सीटी ले लेंगे। तो उससे पहले मैं 1/2 कप पानी डालूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि पानी डालने से हमारा चिकन जलेगा नहीं इसके लिए। तो 1 सीटी हो चुकी है। अब हम कुकर को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो मैंने कुकर को खोल लिया है, ठंडा हो गया है हमारा कुकर। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा चिकन पक चुका है। तो इसी समय अब मैं इसमें ऐड करूंगी 4 से 5 काजू। अब मैंने गैस को फिर से ऑन कर लिया है फ्रेंड्स, तो काजू मैं डाल रही हूँ। उसके बाद मैं ऐड करूँगी जो कि हमने चावल को धो के रखा था उसे, उसमें से पानी सब मैंने निकाल दिया था।
और चावल को मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने 350 ml पानी ऐड किया है, लगभग एक गिलास पानी हम यहाँ पे डालेंगे, बड़े साइज़ का ग्लास है मेरा। और ढक्कन लगा के फिर से एक सीटी होने देंगे। तो सीटी हमें हाई फ्लेम पे लेनी है फ्रेंड्स चावल डालने के बाद। तो जब तक हमारी सीटी हो रही है यहाँ पे हम कलर बना लेते हैं। तो मेरे पास फूड कलर थे तो 2 कप में मैंने इस प्रकार से कलर बना लिया है। हमारी सीटी हो चुकी है, कुकर भी हमारा ठंडा हो गया है फ्रेंड्स। ठंडा होने के बाद ही हमें इसे खोलना है और इस प्रकार से चाकू से उसमें होल बना लेने हैं बीच बीच में। और जो हमने होल्स बनाए थे उसमें जो हमने कलर बना के रेडी किया था उसको डाल देंगे। तो जो भी हमने होल बनाए थे उसमें मैं एक कलर ऐड कर रही हूँ ताकि हमारी बिरयानी कलरफुल दिखे। कलर डालने के बाद अब एक बार हम फिर से बिरयानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। तो मैंने एक प्लेट में बिरयानी को निकाल लिया है फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं जो हमने कलर इसमें यूज़ किया था तो कितना बढ़िया कलर लग रहा है हमारी बिरयानी को, बहुत स्वादिष्ट लग रही है हमारी बिरयानी, बिल्कुल स्वादिष्ट बनती है। आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिए। अब लास्ट में हम इसमें धनिया डालेंगे। तो यहाँ पे फ्रेश धनिया मैंने इस प्रकार कट करके ऐड कर दिया है ऊपर से। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो इसी तरह अच्छे अच्छे रेसिपी मैं हमेशा आपके लिए लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।